तो गाइज आप लोगों के डिमांड पे मैंने प्रो कबड्डी सीजन 7 के स्टार्टिंग डेट पर वीडियो बनाया और उस वीडियो में मेरे से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि भाई प्रो कबड्डी सीजन 7 का ऑप्शन कब होगा और मिनी ऑप्शन होगा या फिर मेगा ऑप्शन होगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे ऑप्शन के रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रो कबड्डी सीजन 7 के ऑप्शन का डेट क्या होने वाला है और इस बारे में मिनी ऑप्शन देखने को मिलेगा या मेगा ऑप्शन। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए बस शुरू से लेके अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा अगर आपने प्रो कबड्डी सीजन 7 के स्टार्टिंग डेट वाली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके जल्दी देखिए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि प्रो कबड्डी सीजन 7 का ऑप्शन का डेट क्या होने वाला है। तो गाइस मैं आपको बता दूँ कि अभी तक कोई ऑफिशियली ये कन्फर्म नहीं है स्टार्टिंग डेट की तरह कि ऑप्शन कब होगा, अभी ये कुछ कन्फर्म नहीं है, बट हाँ हम एक लॉजिक लगा के आपको बता सकते हैं। तो गाइज इस बार जो पीकेस शुरू हुआ वो हुआ अक्टूबर में, और मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इस बार जो शुरू होगा मतलब जो स्टार्टिंग डेट है वो है जुलाई में, 19 जुलाई कुछ है। तो 19 जुलाई को होगा प्रो कबड्डी सीजन 7 मतलब स्टार्ट, और इस बार हुआ था अक्टूबर में। तो जुलाई के बाद आता है अगस्त, सेप्टेम्बर और अक्टूबर, मतलब 3 महीने करीब लेट हुआ तो इस बार। और ऑप्शन जो हुआ था लास्ट सीजन का वो हुआ था मई में, मतलब 5 महीने पहले ही हो गया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 5 महीने पहले हो गए थे। तो इस बार अगर जुलाई में होता है तो अगर हम 5 महीने पीछे जाए तो भाई बहुत ज़्यादा पीछे आ जाएंगे, मतलब 5 महीने पीछे बहुत ज़्यादा हम पीछे आ जाएंगे। तो शायद इस बार दो लॉजिक हो सकते हैं, मेरे हिसाब से दो चीज़ें हो सकती है, एक तो मतलब 5 महीने पहले हो जाए या फिर दूसरा मई में ही हो, जितना मतलब लास्ट टाइम हुआ था मई में हुआ था शायद 30 मई और 31 मई को हुआ था, तो वैसे ही कुछ हो जाए। और इसकी पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है कि ये मई में ही हो जाए, क्योंकि जितने भी हम सीज़न देखते हैं कुछ मई के क्लोज ही होता है। तो मई में ही मेरे हिसाब से होने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 7 का ऑप्शन, 5 महीने पहले नहीं जाएगा। अगर 5 महीने पहले जाता है तो भाई हमें नेक्स्ट मंथ ही पता चल जाएगा, तो इसीलिए मेरे हिसाब से तो मतलब मई में ही होने वाला है प्रो कबड्डी सीजन 7 का ऑप्शन। तो ये था आप लोगों का पहला क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में। तो बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई मेगा ऑप्शन होगा या फिर होगा मिनी ऑप्शन, तो मैं आपको बता दूं मेगा ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, ये लगभग कन्फर्म है और पूरी तरह से कन्फर्म है, क्योंकि हर साल मेगा ऑप्शन नहीं होता। लास्ट टाइम हमने देखा था कि हर टीम को बहुत कम प्लेयर को ही रिटेन करने दिया जा रहा था और न्यू यॉर्क प्लेयर NYP करने को दिया जा रहा था, तो इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। इस बार हमें मिनी ऑप्शन ही देखने को मिलेगा और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उनको रिटेन कर लिया जाएगा, और कुछ जो प्लेयर्स हैं जो अच्छा नहीं खेले जिनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था शायद उनको कोई टीम छोड़ दे, चाहे वो बड़े प्लेयर भी हो जैसे मोहित चिल्लर हो सकते हैं, मोनू गोयत भी हो सकते हैं शायद, मेरे को पता नहीं, और कुछ इस तरह नॉर्मल जो प्लेयर आएंगे जैसे सिद्धार्थ देसाई थे इस सीज़न में, अब वो बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, तो वैसे ही कुछ प्लेयर ऑप्शन में आएंगे उनको टीमें खरीदेगी, तो ये होने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी और बिल्कुल मिनी ऑप्शन होगा इस बार। मेगा ऑप्शन का कोई भी चांस नहीं बनता, क्योंकि लगातार 2 सीजन हमें प्रो कबड्डी में कभी भी मेगा ऑप्शन या फिर कोई भी स्पोर्ट्स लीग में हमें 2 बार मेगा ऑप्शन लगातार देखने को नहीं मिलता है। तो गाइज ये थे आपके 2 क्वेश्चन और मेरे 2 जवाब। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है प्रो कबड्डी सीजन 7 के रिलेटेड तो कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आपका क्वेश्चन या टॉपिक मेरे को अच्छा लगे तो मैं इस पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लीग एट, मैं आपको बता दूं ये फैंटेसी एप्लीकेशन है, यहाँ पे आप क्रिकेट, कबड्डी और बहुत सारे स्पोर्ट्स पे ड्रीम 11 लगा के बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। मैं आपको बता दूं लीग एट पे अभी चल रहा है एक कॉन्टेस्ट जिसका नाम है बीट द बॉस, यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बिग बॉस आप सब जानते होंगे और क्रिस गेल को भी आप सब जानते होंगे, तो क्रिस गेल बिग बैस के मैचेस पर अपना ड्रीम टीम बनाएंगे, मतलब ड्रीम 11 टीम बनाएंगे, और आपको भी ड्रीम टीम बनाना है, और अगर आपका ड्रीम टीम क्रिस गेल की टीम से मैच हो तो आपको मिलेंगे बहुत सारे प्राइजेस। जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेगा KTM Deep 200, सेकंड आएगा उसको मिलेगा GoPro Hero 5, थर्ड आएगा उसको मिलेगा Asus Zen Phone Max M2, फोर्थ आएगा उसको मिलेगा फुल क्रिकेट किट, और फिफ्थ आएगा उसको मिलेगा बोट ब्लूटूथ स्पीकर। तो यहाँ पर क्रिएट टीम का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप यहाँ से आगे टीम क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपने अभी तक लीग एट को डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कीजिए, और लॉगिन करते समय आप मेरा ही रेफरल कोड यूज़ करना जो अभी आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ताकि आपको 200 रुपये स्टार्टिंग में खेलने के लिए फ्री मिल जाए। तो बस यही थे वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नीचे कमेंट्स में लिख के बताइए आप प्रो कबड्डी सीजन 7 के लिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो, और बताइए कैसे लगी आपको ये वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बजाइए, ताकि हम जैसे अगली कबड्डी वाली वीडियो बना उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और आपको कुछ नहीं करना बस अगली वीडियो के लिए।
वेट करना है